यहाँ तो कोख को भी कब्र बनाना फकर माना जाता है। इंसान है ही कुछ ऐसे। सॉरी अतनी माँ, सॉरी। आज सोशल मीडिया पे एक तस्वीर हुई शो, जिसे देख के दिल पड़ा रो। अफसोस दुनिया में ऐसे भी लोग, भूख में घूम रही वो हथनी बेचारी अनजान थी के इंसानियत मर चुकी इंसान की। सुन के ही दिल डर जाता है, उसने कितना अपने अंदर दर्द सहा होगा। उसके लिए वो दर्द भरा पल कैसे वो रहा होगा, अपने बच्चे से उस समय क्या कहा होगा। दुनिया में लोगों के ऐसे भी दिल है, दिल से दुखी मैं हो गया हैरान है। ऐसे ही सेम मौत उनको भी देनी चाहिए, जो भी था वो शैतान है। कितनी बेरामी से जिसने माँ और बच्चे को दोनों को मार दिया, ये कैसी शरारत थी, पटाखों से बच्चे को अंदर ही साड़ दिया। अंदर से वो बेचारी हथनी माँ रो रही होगी, भगवान कहाँ बेच दिया तूने, ऐसी बातों में खो रही होगी। क्यों किया मैंने विश्वास इंसान पे, वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रही होगी। शायद दर्द होगा कम, वो तड़पती फिर पानी में चली गई। उसके बाद अपने बच्चे के साथ कहीं दूर वो चली गई। शायद दर्द होगा कम, वो खड़ी रही तालाब के बीच। इतने दर्द में भी लग रही थी शांत, लेकिन उसका मासूम सा चेहरा बता रहा था वो अंदर से रही है चीख। शायद जख्मों को और बच्चे को थोड़ा सा मिलेगा सुकून। वो इतना तड़पी दर्द में 3 दिन तक पानी में खड़ी रही, लेकिन वो 14-15 साल की हथनी माँ अब वो दुनिया में नहीं रही। उसके लिए कितना भयानक समा होगा वो, ये सोच के जैसे दिल ही रुक गया। उस हथनी माँ के आगे सिर झुक गया।